हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। माय नेम इज यश। और गाइस आज हम लोग बरेली टू मेरठ ट्रैवलिंग करने वाले हैं। सो इससे भी बहुत मज़ा आने वाला है और आपको भी मज़ा आएगा। सो आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको लाइक करना है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी लोगों की अब पैकिंग हो चुकी है, मतलब सब लोग तैयार हो चुके हैं और पैकिंग भी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक दो तीन 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 बैग भर रखे हैं पूरे, और एक में कपड़े हैं, एक में और कपड़े हैं, एक में और कपड़े हैं, तब तीनों बैग में कपड़े ही कपड़े हैं। कोई कम की चीज़ नहीं है, बस एक चार्जर है कम की चीज़। चार्जर हाँ, ये कहाँ चार्जर ही है कम की चीज़, और ये आई बेल्ट सबसे ज़्यादा काम की चीज़। ओके गाइस, अब हमारी तैयारी तो हो चुकी है, अब हम लोग और हमने अभी खाना खा लिया है, अब चलते हैं और कुछ कपड़े। वाह आती आती काम सिर्फ इतना भारी, कम से कम ओए इतना भारी बैग मेरे को ले जाने को कह रहे। ओए और ये रे दीप जो कि पापा 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 बोल रही है, यही बच पीछे इसको भी रख दो, बहुत भारी है। इनका न्यू सेट स्वेटर पहन के है, ये न्यू स्वेटर। हाथ रख चीची गंदा। ओ सिद्धि कहाँ जा रही हो? घूमी जा रही हो फिर तुम? रिद्धि गाइस, गाइस अब हमारा सामान भी पैक हो चुका है और अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। पापा अरे ये क्या हो गया, हमारी गाड़ी वहाँ से पीछे जाकर अपने आप पीछे जाकर गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई, अब वो चलेगी नहीं। देख लो कैसी आवाज़ आ रही है, गिर गिट जैसी सर, गिरगिट गिट गिट कैंडी अंदर चल। ऐसा लग रहा है एकदम रात हो रही है, सन्नाटा हो रहा है, गिरगिट कर रहा है, डांस कर रहे हैं। ये क्या हो गया, गाड़ी कैसे फंस गई? आठ लोगों ने मिलकर गाड़ी को हटाया, फंस गई थी। आठ नहीं, क्या हो गया था? रात में ना रिद्धि सिद्धि ने इसकी गाड़ी का वो लाइट ना एकदम खोल के रख दी, इसलिए इसकी बैटरी अब चली ही नहीं, ना आगे जाती है ना पीछे जाएगी। अब लगता है धक्का दे दे के। अब कैसे जाओगे मेरठ? मेरे जाएंगे धक्का तय भगवान। फाइनली अब गाड़ी निकल चुकी है, दो चार नौ दस लोगों की मदद के प्रकार, 9-10 लोगों के वजह से अब ये गाड़ी चल पड़ी है, और गाड़ी भी चल पड़ी है और बहुत दिक्कत पड़ी। अब हम लोग गली में आ चुके हैं और भी हम लोग पूरा पेट दर्द बहुत, हाँ मेन रोड पर आ गए। यहाँ पे क्रेन होती है ना, नहीं है जैसे कि हम लोग गली से बाहर निकल चुके हैं और अभी हम लोग मेन रोड में आ चुके हैं गाइस। और गैस मैं अब आपको एक चीज़ दिखाने चाहता हूँ, मतलब तो उस रोड के बाहर ये हमारी पुलिस लाइन है, जैसा आके आप लोग देख सकते हैं। और गैस वो देखो दूर जो वाइट वाइट सी बिल्डिंग अभी दिख रही है, अब फिर से देखिए ये जो वाइट वाइट बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे पहले हम रहते थे। और अच्छा बैगन ने लात मारी,
इधर देख के, यहाँ देख के, खत्म। क्या सुनाया? शुरू होने से पहले खत्म कर दिया। रिद्धि, रिद्धि शुरू होने से पहले खत्म कर दिया आपने। और गाइस ये चौपले का पुल है, और पहले ना मम्मी मेरे को यहाँ पे स्कूटी से रोज स्कूल छोड़ा करते थे। और गाइस जो आप ये ऊपर वाला पुल देख रहे हैं वो आजकल ही बना है। और गाइस जो आप ये ग्रीन ग्रीन वाले देख रहे हैं वो है दुल्हा मियाँ की मजार। और क्यों बैठे तुम? बहुत स्टाइल में हो, बहुत स्टाइल में बैठे हुए हैं। हुआ क्या? क्या हो गया? आराम से बैठी हुई है ये तो चिपकी हुई है, ये कैसे बैठी हुई है सिद्धि? ये तो खड़ी रहती है, इसको नींद भी आ रही है। अरे नींद भी आ रही है उसको, लेकिन खड़े रहना उसे, इसको बैठना भी नहीं है सिद्धि को, और इसको खड़े रहना है, और खड़ी रहती है ये, और नींद भी आ रही है। गिर जाएगी रिद्धि। रिद्धि नीनू आ रही है, ओ रिद्धि यश आपको भी आ रही नींद? ये तो खड़े खड़े सो गई है गाड़ी में। एक फायदा है गाड़ी में, इनको नींद जल्दी आ जाती है। आज के अंदर ओके सो गाइस फाइनली अब हमें मिल चुका है बरेली के बाजार में खोया हुआ झुमका। और गाइस जिनको नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं कि बॉलीवुड में एक गाना आया था झुमका गिरा रे, बरेली का झुमका आ गया। और जिनको बरेली के झुमके को नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये झुमका बरेली का बहुत फेमस है, यहीं से दिख रहा है इतना बड़ा है। सो गाइस ये है बरेली का झुमका ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और गाइस बॉलीवुड में एक मूवी आई थी जिसमें एक गाना था जिसका नाम था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और गाइस इसी यादगार में ये झुमका लटकाया गया है। और गाइस ये बताओ कितनी फीट का है? नहीं पता होगा ना। चलो गाइस मैं बताता हूँ कितनी फीट का है। ये है 14 फीट का। यस गाइस 14 फीट का। झुमके की वजह से बरेली बहुत पॉपुलर है, पूरे इंडिया को पता चला कि बरेली के बारे में एक गाना है। और इसकी वजह से मेरे को पूरा तो याद नहीं है पर उसका शुरुआत कर रहा है बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, तो याद मैंने सुना नहीं है ना, सुना नहीं शुरुआत है। और बरेली एक बहुत अच्छा शहर है, जैसे दिल्ली होता है वैसे भी बरेली बहुत अच्छा शहर है। और आप भी आ रहा झुमका देख कर, झुमका देख के जा रहा हमको। और अगर आप दूसरे रास्ते से बरेली आते तो वो झुमका आप नहीं दे सकते, दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए कि ये रोड में झुमका बना हुआ है, तो आप भी जाइए और ये झुमका बड़ा सा देख लीजिए, झंडे की तरह लगता है। अकेले अकेले खा रहे हो? लाओ और एक से क्या होगा, कितने से क्या होगा, बस इतनी है ये पकड़ी के। और गाइस पता है हम लोग ईंट के भट्टे में गए थे और उससे मेरे को कुछ कोई मिले तो नहीं थे अंकल वक्कर, सो मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कोई अंकल, मैंने सोचा चलो ईंट वाले को मिल जाएंगे जिससे मैं देखूं कि ईंट कैसे बनते हैं, मैं अपने फ्रेंड को दिखा दूं कि कैसे ईंट बनते हैं। इसकी देखो यहाँ पे लकड़ियों के ज़रिए कैसे वो, मतलब यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ कटती हैं, ये फैक्ट्री है, वहाँ पे पीछे फैक्ट्री बनी है। और ये आरा फैक्ट्री है और यहाँ पे
कैसे अब ये देखो काम में कितना बिजी है ये लोग, बुरादा बन रहा है यहाँ पे, और एक साइड से लकड़ी जा रही है, एक साइड से लकड़ी कट रही है, एक साइड से वो लग, और क्या ये लोग बुरादा निकाल रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एक अंकल जी ऐसे वो डंडे से, और क्या जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शाम हो रही है, अंधेरा होने का आ रखा है। सिद्धि इधर देखो मैं फोटो खींचता हूँ, इधर देखो, हाँ बाना बाना उठ गई थी, और अब ये दीदी खाना खा रही है, ओ स्टाइल में खा रही है खाना, और सिद्धि ओ सिद्धि ओ सिद्धि ओके, ऐसा लग रहा है मुंह में जबरदस्ती ठूसा है इसने, और एक्चुअली में ठूसा भी है जबरदस्ती। इतनी खतरनाक, और अब आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखो अभी कुछ देर पहले सनसेट हो रहा था, मून राइज, काश इस फोन की रेंज ज्यादा होती फिर मैं ऐसे पहचान लेता, दूर तक टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना पास कर लेता, वाह वाह वाह, मून की तरह पास ले रहे, दूरदारी सच में बहुत पास है। ये और हाँ कैसे, अब रात के 11 बज के है, गैस इस समय रात के 11 बज रहे थे, और हम लोग ढाबे में रुके हुए थे, और तो हमने ढाबे में ही डिनर किया, और उस टाइम में ऐसा हो तो ऐसी भयंकर वाली नींद आ रही थी, गैस मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि मैं बड़ा को डोनट कह रहा था। कैसा लग रहा है, कैसा है टेस्ट, है नींद आ रही है, और गैस रात के 1 बज रहे थे, और चौकीदार अंकल भी सो रहे थे, और हमने उनको हॉर्न बजा के उठाया, उनको बहुत ठंड लग रही थी, कम्बल ओढ़ के बैठे थे, देखो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कम्बल ओढ़ के खड़े हैं वो। ओ फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं गाइस, ओके सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, इफ यू एंजॉय द वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब, जिन लोगों को सब्सक्राइब नहीं हुआ सब्सक्राइब कर दिया, और मेरे को नींद भी बहुत आ रही है, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय बाय, गुड नाइट।